ओम वंदे गुरु मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, लज्जा किसमें अधिक है, स्त्री में या पुरुष में? क्योंकि हमने अक्सर एक बात सुनी है कि स्त्री लज्जावान होती है, यानी कि स्त्री लज्जाशील होती है। क्या सचमुच ऐसा है? क्योंकि हम आज इस बात को आपको उल्टा साबित करके देने वाले हैं कि आज हम देख रहे हैं कि स्त्रियों में लज्जा कम होती जा रही है, कहीं तो काफी हद तक समाप्त हो रही है। मित्रों, है क्या विषय, क्या है? हम आज एक अपने समाज में जो चलन देख रहे हैं, हम देखते हैं कि महिलाएं कुछ खुलेपन के कारण या कुछ आधुनिकता के चक्कर में, वो कुछ भी कहो, आज कपड़े ऐसे पहनने लग गई हैं जिसमें उनका बहुत सारा तन फालतू में दिखता रहता है। जैसे कि आप देखते हैं तो इतने बड़े गले के कपड़े महिलाएं पहनती हैं कि आधी पीठ खुली रहती है, और आगे देखा जाए तो कितना हिस्सा ढका रहता है, आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार ब्लाउज की साइज इतनी छोटी होती है कि कमर पूरी इतनी चौड़ी पूरी खुली होती है, और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो नाभि के नीचे पेटीकोट पहनती हैं, अर्थात नाभि के नीचे साड़ी बांधती हैं, तो पूरा पेट का हिस्सा उनका खुला रहता है। अर्थात जब महिलाएं बहुत अधिक आधुनिक हो जाती हैं ना, तो उनके कपड़े कम और कम और कम होते चले जाते हैं। वहीं यदि हम पुरुषों को देखते हैं कि जब वो फैशन में आते हैं तो उनके कपड़े बढ़ जाते हैं। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जो कपड़े पहनता है वो क्या पहनेगा, कोई धोती कुर्ता जो गांव के लोग होते हैं, या कहें कि शहर के होंगे तो टी शर्ट पैंट आदि पहनेंगे। हाँ, उनका पैंट नीचे जा रहा पर टी शर्ट उनकी लंबी रहती है, लेकिन और कुछ फैशन की तो कुर्ता आदि पहनेंगे, कुछ जोधप्रिय सूट ऐसा कुछ पहनेंगे तो कुर्ता आदि पहना तो उसमें चुन्नी भी डाल लेंगे, अर्थात उनके कपड़े बढ़ जाते हैं। जब पुरुष फैशन करता है तो उनके कपड़े बढ़ जाते हैं, और जब महिलाएं फैशन करती है तो उनके कपड़े धीरे 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 छोटे 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 होते चले जाते हैं। तो आप एक बात अनुमान लगाइए कि लज्जा किसमें अधिक है। यदि पुरुषों में, स्त्रियों में लज्जा अधिक होती तो इसे ढकना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। और यदि शरीर खुल रहा है तो कहाँ है लज्जा? क्योंकि लोग यह दोष देते हैं। मेरा एक मित्र है, वो कहता है कई बार कि जब मुझे कोई ऐसी महिला दिखती है तो मैं उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ जिसके गले बड़े हों। ऐसी महिलाओं को बोले ये ब्लाउज कपड़ों के गले बड़े हों तो मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोलते जब उन्होंने दिखाने के लिए पहना तो हम क्यों ना देखें। सही बात है, आपका लक्ष्य तो है लोगों को आकर्षित करना, तभी तो आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। क्योंकि मुझसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं, आप इतनी भरी पूरी पूरी बांह के कपड़े कैसे पहन लेती हैं, इतनी गर्मी भी आप कैसे पहनते हैं? मित्रों, मुझे अपने शरीर को ढक कर रखना अच्छा लगता है। मेरे वीडियो पर बहुत अलग अलग टिप्पणियां, मित्र मुझे बड़े हंसी आती है कुछ बातों पे। महिलाएं टिप्पणी करते हैं कि आप इतने बंद कपड़े कैसे पहन सकते हैं, और पुरुष टिप्पणी करते हैं कि आपके कपड़े अच्छे लगते हैं, है ना अजीत? मित्रों, महिलाएं ऐसा क्यों सोचती हैं कि जब तक उनका शरीर दिखेगा नहीं, खुलेगा नहीं, तब तक उनके कपड़े खुले नहीं होंगे, और पुरुष ऐसा क्यों नहीं सोचता? महिलाएं क्यों सोचती हैं तंग कपड़े पहनेंगी तो ही वो अच्छी लगेंगी, पुरुष ऐसा क्यों नहीं सोचता? कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, ना कि कपड़े तन को विकृत रूप से दिखाने के लिए होते हैं। और हमने आज अधिकांश देखा है, अधिकांश महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं, फैशन के नाम पर कहो, आधुनिकता के नाम पे कहो, किसी भी नाम पे कहो, वो तन ढकने से ज्यादा तन दिखाने के लिए कपड़े पहनती हैं। मित्रों, यदि तन ढकने की बात है, इस देह को काया को ढकने की बात है, तो जब तक आप ठीक से कपड़े नहीं पहनेंगे तब तक वो शरीर ढका नहीं जाएगा। और रही बात फैशन की और आप कहें कि आधुनिकता की, मित्रों ये आधुनिकता वहां से आई है जहां मात्र पुरुषों को आकर्षित करना ही उनका विषय था। और यदि आपका विषय भी वो है तो आप में और वेश्या में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये काम वेश्याओं के होते हैं, एक संभ्रांत घरेलू महिला के नहीं होते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यदि एक आप घरेलू महिला है, सभ्य महिला है, तो आपको ऐसे कपड़े मात्र अपने पति के सामने पहनने चाहिए, क्योंकि या आपको सुंदर लगता है तो आप अपने आप को दिखाने के लिए पहनिए ना। आप दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया आपको उसी तरीके से देखेगी, यदि आप इस बात को समझते हैं। क्योंकि आप ये कहेंगे कि आप तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। मित्रों, मैं पुरानी बात नहीं कर रही हूं, मैं वर्तमान की ही बात कर रही हूं, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा है कि जब हम कहते हैं कि
छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होता है तो उसमें कौन जिम्मेदार है? मित्रों, उसमें जिम्मेदार वो हैं जो इस तरीके से अपने तन को दिखाते तो हैं, लेकिन जिसमें हमारी फिल्म की कुछ नायिकाएं भी शामिल हैं, कुछ नहीं बहुत सारी हैं, जो तन को दिखाते तो है लेकिन वहां से उनकी वासना पूरी नहीं हो पाती। तो छोटी छोटी बच्चियां जिन पर किसी का उनका अपना बस नहीं चलता, उन पर इनका बस चलता है और वे उनको अपना शिकार बना लेते हैं। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ समझने जैसा है, बहुत कुछ सोचने जैसा। यदि आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कहां से क्या गंदगी भर रखी है, क्योंकि हम विज्ञापन देखते हैं ना, या आप ये क्रीम लगाई आप बैकलेस पहन पाएंगे। यदि आपने ऐसे शौक पाले, आप ऐसी क्रीम यूज करना चाहते हैं, आपने खर्चे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फैशन के कपड़ों में भी खर्चे बढ़ाएंगे और हर जगह आप खर्चे बढ़ाएंगे। मित्रों, यदि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो मैंने ऊपर कपड़ा पहना हुआ है जिसको आप टॉप कहते हैं, क्योंकि मैंने नीचे जो पहना है वो कुछ मैं उसका नाम नहीं जानती, एफ्रोन या कुछ लपेटा, मैं उसको लपेटा बोलती हूँ, उसको लपेट के पहना जाता है। तो इसका प्राइस अलग है, ये मैंने शायद 200 रुपए में लिया था और ये कपड़ा लाके मैंने इसको खुद सिला है, ये कपड़ा लाके सब तैयार होके 60 रुपए में तैयार हो गया है। आप कहेंगे इतना सस्ता? हाँ, इतना सस्ता। मित्रों, खर्चे मात्र और मात्र फैशन में है, खर्चे और कहीं नहीं है। यदि आप खर्चे बचाना चाहते हैं, यदि आप एक सभ्यता से रहना चाहते हैं, तो आप कुछ सही चीजों को अपनाइए। यदि आप सही चीजों को अपनाते हैं तो आप सही हो सकते हैं। हाँ, ये सिला है खुद मैंने, क्योंकि अपने कपड़े में खुद सिलती हूँ मैं। जितने आप ड्रेस मेरे को देखते हैं पहने ऊपर, कुर्ते में खुद सिलती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरा शौक रहा था कभी, तो आज अपने उस शौक को भी पूरा करती हूँ। और यदि आपको कुछ समस्या आ रही है तो हमारी बहुत सारी वीडियोस और हैं, हमने दिए हैं समाज प्लेलिस्ट, उसमें देखिएगा, इससे संबंधित और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि आप उनको देखते हैं और कुछ हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ है, आपके रोग अनुसार कोई वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चुनिए, नियम पालन प्राणायाम करिए, अपने तन मन मस्तिष्क को सही करिए और अपने समाज को उन्नत करने में समाज की और अपनी सहायता करिए। कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर डालिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जस्ट बिकॉज मुसलमान कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, तो मुसलमान कम्युनिटी में ये क्यों नहीं कहा जाता कि लड़कों को आंखों में पर्दा कर देना चाहिए और लड़कियों को खुला में घूमना चाहिए? Why not? So I'm so sorry to say that आपने पर्दा किया है कॉटन से? अरे कॉटन से पर्दा किया है। I am Muslim myself and मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेन है टूवर्ड्स दोस पीपल जो खड़े हो जाते हैं बुरखा बुरखा बुरखा। अरे शर्म करो तुम लोग पहले अपनी आंखों पे कि तुम वो चीज क्यों देख रहे हो। तुम्हें पर्दा करना चाहिए, हम क्यों पर्दा करें? वुमेन, हम लोगों की इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हमने ही तुम्हें पैदा किया, वरना तुम आते कहाँ से साले? और अब मैं सारे बुरखे आदमियों को पहनाऊंगी मैं। एग्जैक्टली, कौन किसने बोला ये? एक सेकेंड, अनूप जलोटा ने ही बोला था राखी सावंत भी अगर आएगी तो मैं उसको भी सिखाऊंगा। और अनूप जलोटा अगर अब ये बोल रहे हैं तो सॉरी अनूप जलोटा जी, आपको थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे काम करना पड़ेगा। व्हाट्स रॉन्ग विद योर जल? आई टेल यू वन इंसिडेंट, I was in London shooting for something and there they because the camera was there, so they thought that I'm an actor. So they said, oh, you're an actor. I said, yeah. They were like, from where? I was like, from India. They're like, oh, wow. We know only two people from India. I was like, great. Who all are they? They said, Amitabh Bachchan and Rakhi Sawant. Oh, my God. Wow. I was in London. I'm talking about a localite of London. A shopkeeper said, Respect me. So, jo bhi karke Rakhi Sawant ka naam hua hai. Guts se usme jo usne apna naam banaya hai. Naam kya hai? I respect that. And everybody knows Rakhi Sawant in India. Nobody can say that I don't know Rakhi Sawant. Wow. I'm really sorry for that. Thank you. And I do respect Anup Jalota ji. So Anup Jalota ji, I just want to say, you don't know me, so aapko duniya mein kuch nahi pata.
आई एम सॉरी, वो आप भूल गए, आप भूल गए कि आप मुझे म्यूजिक सिखाना चाहते थे, आप मेरे साथ डेटिंग करना चाहते थे। ये तो मैंने भी देखा है, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रही हूँ अनुप जलोटा जी का, लेकिन मैंने उनका एक इंटरव्यू क्योंकि ट्रेंडिंग पे था तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट, और वहाँ उन्होंने बोला था भाई मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो कि सबको संगीत सिखाऊं, अगर राखी सावंत भी मेरे पास आएगी तो मैं सिखा दूंगा। अभी राखी सावंत को कैसे नहीं जानते, ये तो अनुप जलोटा जी जो राखी सावंत को संगीत नहीं सिखाना चाहते उसके साथ शावर लेना चाहते हैं, एंड आई एम नॉट शावर अली अंदर है, शावर अली अंदर है, कुछ ज्यादा हो गया, बाय 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 ओके। देखिए राखी सावंत को एट दिस मोमेंट ये नाटक करने की जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए, नहीं नहीं वो ऑलरेडी इतनी फेमस है, उसको टांग तोड़ के फेमस होने की जरूरत नहीं है। यस बिल्कुल बिल्कुल, आई डोंट डू कॉन्ट्रोवर्सी, आई नेवर डू कॉन्ट्रोवर्सी,